जिसके पास लाइफ में कोई एम ही नहीं था एक नॉर्मल बच्चा नहीं होता है जो खुश रहता है ना सक्सेस की चाहत ना फेलियर का डर नॉर्मल सा बच्चा था चिल करता था लाइफ में और कोई काम नहीं और उसी साइड मेरी बहन एक सक्सेसफुल जेंडर इक्वलिटी एडवोकेट थी आ, मतलब वो मैं उसे सुपर परफेक्ट किट कहता हूँ बाय द वे क्योंकि शी इज परफेक्ट इन एवरीथिंग और वही मेरे लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बनी जिसके कारण मैंने जो भी कुछ किया है अपनी लाइफ में सबसे बड़ा क्रेडिट मैं उसे ही देना चाहता हूँ आप इमेजिन कर सकते हैं कि घर के एक कोने में एक बच्चा खड़ा है जो जो एकदम चल करता है ना कोई इंटरेस्ट ना कुछ नहीं पढ़ाई हाँ में भी मैं एक एवरेज बच्चा था बस चिल कर रहा है लाइफ में और एक तरफ घर के एक, एक ऐसी बच्ची है जो कि अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिल के आई है और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं उसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरी जो जर्नी की स्टार्टिंग हुई थी वो एक बुक लिखने से हुई थी और उस बुक का नाम है दस मैस गाई मैं एक ऑथर भी हूँ बाय द वे उस बुक का नाम है दस मैस गाई और उसमें मैंने एक फ़िक्शनल स्टोरी लिखी है एक बच्चे के बारे में सिमिलर फ्रॉम माय लाइफ जो कुछ नहीं करता था लेकिन एक दिन अचानक से इंटरेस्ट आया कि उसे एक सुपर हीरो बनना है और वो मेहनत करने लगता है और वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बनता है ये मेरी फिक्शनल इमेजिनिंग थी आज से दो साल पहले मैंने वो बुक लिखी पापा को बताया कि मुझे बुक लिखनी है उन्होंने तुरंत कहा कि तुम अगर इंटरेस्ट है लिख दो कोई दिक्कत नहीं है मैं उसे पब्लिश भी करा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है और सच में मैंने सात दिनों के अंदर वो नाइन्टी थ्री पेजेस की बुक लिखी थी एकदम पेपर पे खुद से नाइन्टी थ्री पेजेस की वो बुक और मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उसे उस वक्त पब्लिश भी कराया जिसे आज हज़ारों बच्चे पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं मेरी जर्नी की स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी उसके बाद मैंने बुक लिखा पेरेंट्स का सपोर्ट था ही मेरा एक दिन इंटरेस्ट आया कि चलो मैं डेली गेम्स के वीडियो देखा करता था कि उस वक्त जो भी पॉपुलर गेम्स थे बैटल ग्राउंड जो भी पॉपुलर गेम्स थे मैं उसके गेम प्ले वीडियोज़ देखा करता था डेली और डेली मीन्स मैं स्कूल से जब भी आता था दिन भर मैं या तो गेम खेलता था नहीं तो गेमिंग के रिलेटेड वीडियोस देखा करता था लेकिन उस दिन अचानक से इंटरेस्ट आया कि चलो बिजनेस और फाइनेंस के बारे में सीखा जाए पता नहीं आउट ऑफ नो अचानक से इंटरेस्ट आया कि बिजनेस के बारे में सीखते हैं और समझते हैं कि कैसे किया जाता है ये वर्ल्ड है क्या क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था उससे पहले मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी सोशल वर्कर का है सारे लोग मेरे फैमिली में सोशल वर्कर है और मैं पहला एक बंदा था जो कि जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट था जिसको ऑन्टरप्रीनरशिप करनी थी मैंने देखना स्टार्ट किया बिज़नेस के बारे में फ़ाइनेंस के बारे में और मैंने मुझे कहाँ से पता चला कि मेरा इंटरेस्ट है इस सेक्टर में तो मैं एक टेक्निक यूज़ करता हूँ कि मैं जब भी मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ अलग करना होता था उस वक्त या फिर कुछ नया सीखना होता था मैं अलग अलग टॉपिक्स को उठाता था और उसको एक महीने का मैं टाइम देता था और उसके बीच में मैं वो सारे टॉपिक्स को पढ़ता था समझता था मैंने हर सेक्टर के बारे में पढ़ा रिटेल के बारे में पढ़ा ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा फैशन के बारे में क्रिप्टो करेंसी के बारे में सारे बिजनेस के टॉपिक्स थे और मैंने देखा कि मैं दिन के चौबीसों घंटे यू विल नॉट बिलीव एक बच्चा क्लास नाइन्थ में चौबीसों घंटे वो कुछ ना कुछ एफर्ट कर रहा है कुछ नया सीखने के लिए क्योंकि पढ़ाई में मैं एवरेज था मुझे मन, मेरा, मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था वो सीखे जा रहा है वो लड़का और उसे पता चलता है कि जब भी वो पढ़ता था ना वो दस पंद्रह मिनट बीस मिनट में उसे लगता था कि दो तीन घंटे हो चुके हैं मैं इतना ज़्यादा मतलब एवरेज स्टूडेंट था लेकिन यहाँ जब मैं बिज़नेस और फाइनेंस के बारे में सीख रहा था कैसे दिन बीत रहे थे पता ही नहीं चल रहा था उसी वक्त मुझे लगा कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ मैं काम कर सकता हूँ ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में मुझे जितनी भी नॉलेज है मैं उससे खुद का कुछ कर सकता हूँ और वहाँ से मेरी असली जर्नी इस बिज़नेस की फील्ड की स्टार्ट हुई थी उसी बीच उस एक महीने के टाइम में मैंने देखा कि क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज्यादा नॉलेज मेरा इंटरेस्ट है उसके बारे में मैं सीखना चाहता था मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगा हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स व्हेन यू आर अ टीन एंड यू वांट टू डू बिजनेस मैंने पूरे क्योंकि मुझे लगता था कि इतनी कम एज में कोई पेरेंट क्यों अलाउ करेगा किसी बच्चे को बिजनेस करने के लिए और ना ही मैं उतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट था कि वो लोग पूरा अलाउ करते मैं ये सोच के यूट्यूब पर वीडियोज़ देखने लगा लेकिन जब मैंने पूरे टिप्स लिख लिए कि ऐसे ऐसे कन्विंस करना है सारी बातें मैंने सीख ली हैं सारी चीज़ें मुझे बतानी है पेरेंट्स को मैं अपने पेरेंट्स के पास गया अपने पापा के पास और उनके पास जाके कहा कि मुझे बिजनेस करना है और उस वक्त पूरा गेम ही पलट गया मेरे सारे टिप्स एक साइड रखे रह गए सारे वीडियोज़ एक साइड रखे रह गए मेरे पापा ने विद इन फ्यू सेकेंड्स कहा कि चलो स्टार्ट करते हैं और उन पता नहीं उनको कहाँ से बिलीव आया कि ये लड़का बिज़नेस करेगा और उसके बाद आई गेट टू नो कि मेरे पापा ने 2014 में ही एक कंपनी रजिस्टर कराई थी सूर्यांश कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड जो आज भी मेरी मदर कंपनी है सारे स्टार्टअप्स की और पापा ने शेयर किया कि मैंने कंपनी रजिस्टर कराई हुई थी अब अब तुम समझो मुझे कैसे पता था कि तुम बिजनेस में आगे बढ़ने वाले हो जो काम मेरे पापा ने किया ना अगर आज इस देश के हर पेरेंट्स वो काम करने लगे तो ये देश और तेजी से ग्रो कर सकता है क्योंकि वो मुझे समझ रहे थे उनको दिख रहा था कि इसको कुछ ना कुछ बिज़नेस फाइनेंस में करना है मेरी बातें सुन के लगता था मैं केस स्टडीज़ देखता था और उनको जाके कहानियां सुनाया करता था अच्छा फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी ऐसे बन गई रिलायंस ला, ऐसे बन गई बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट ऐसे खड़ा कर दिया उन्होंने मुझे अलाउ किया टू स्टार्ट स्टार्टअप बिजनेस और वहाँ मेरी कंपनी मंत्राफाई आई मंत्राफाई बेसिकली एक क्रिप्टो बास्केट ऐप है और उसका आइडिया यहाँ से आया कि क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में मेरा इंटरेस्ट था ब्लॉकचेन के बारे में मुझे समझ थी तो मैंने स्टार्ट कर दिया मंत्राफाई को और यू विल नॉट बिलीव कि बिना किसी मार्केटिंग के उस वक्त मैं इतना ज़्यादा मतलब पॉपुलर कुछ भी नहीं था मैं एक नॉर्मल था नॉर्मल सोन्ट्रपिन था दो से तीन दिन में बिना किसी मार्केटिंग के ये कैसे हिट हुआ मैं भी नहीं जानता हूँ ये एक मतलब मेरे लाइफ का एक मैजिक था बहुत बड़ा कि एक लाख से भी ज़्यादा लोग मेरे ऐप पे रजिस्टर करने आए अपना इंटरेस्ट दिखाने आए विदाउट एनी मार्केटिंग मैंने कुछ भी नहीं किया था बस प्रोजेक्ट के बारे में ट्विटर पर अपलोड किया था वो वो ट्वीट वायरल हो गई और उसके बाद वहाँ से मेरे सारे कस्टमर्स आने लगे सो वेन आई वॉज वर्किंग इन इन माई मंत्राफाई कंपनी उस वक्त मुझे समझ आया कि इंडिया में जो रूल्स रेगुलेशन uh, थे क्रिप्टो के बारे में ब्लॉक चेन के बारे में वो उत, उतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं देता है कॉन्ट्रपेनर को अपने आइडिया पर काम करने के लिए वो अभी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है बहुत ज़्यादा छोटे से एरिया में फैला हुआ है कि आपको बस टैक्स देना है और उसके अलावा कोई लॉ ही नहीं है कोई अथॉरिटी ही नहीं है जिसके कारण बस क्या हुआ मंत्राफाई को तो मैंने चलने दिया लेकिन फिर मेरे पास अलग अलग स्टार्टअप्स के आइडियाज़ आने लगे इसलिए फाउंडर ऑफ मल्टीपल स्टार्टअप्स भी लिखा गया है और बहुत सारे स्टार्टअप्स के जब आइडियाज आने लगे मैंने सब पे काम करना स्टार्ट किया और पापा पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे इस जर्नी में एक एक बात एक एक चीज़ मुझे समझा रहे थे क्योंकि वो खुद एक ऑडिटर रह चुके थे एक एक बात मुझे उन्होंने समझाया फाइनेंस के बारे में बिजनेस के बारे में जो फैक्ट्स होते हैं उन्होंने मुझे सिखाया और तब जाके मेरी सारी कंपनी जो भी आज है शादी कीजिए डॉट कॉम हमारी खुद की मैट्रोमोनील कंपनी है आज उस पर दस हज़ार से भी ज़्यादा लोग ऑन अ वीकली बेसिस हमारे वेबसाइट पे आते हैं और एक मैट्रोमोनियल प्लेटफॉर्म मैंने बना दिया हमारी जैस एक्सप्रेस खुद की मीडिया एजेंसी खुद की मीडिया कंपनी है उस उसपे अभी तक मिलियंस ऑफ व्यूज आ चुके हैं वो भी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है और मेरी जो भी रेस्ट ऑफ द कंपनीज है वो भी अपने जगह ऑपरेट कर रही है करते करते जब सारी चीजें मेरे पास आ गई कंपनी खुल गया अच्छा सब कुछ चल रहा है नाम हो गया सब कुछ चल रहा है फिर मेरे समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट रेज की जाए इन्वेस्टर्स से पैसे लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी आराम से फंडिंग का यूज करके कंपनी को ग्रो कर लेंगे ये मेरे दिमाग में माइंडसेट था क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही सोशल मीडिया से प्रभावित हो चुका था कि जो भी ऑन्टरप्रेनर्स हैं जो भी आज बड़े बने हैं वो करोड़ों की फंडिंग लेके बने ऐसा मेरे दिमाग में एक माइंड बन चुका था मैंने पापा को बताया इन्वेस्टमेंट के बारे में तो लिटरली जो इंसान सच बोल रहा हूँ इतना ज़्यादा स्ट्रगल वो खुद एक सक्सेसफुल इंटरनेशनल सोशल वर्कर है यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव है वो इंसान मेरे साथ बैंगलोर की गलियों पे कोर मंगला वाइट फील्ड जो भी एरियाज होते हैं पैदल चल रहा है इन्वेस्टर्स के पास जाने में जो जिस इंसान का नाम इस देश के बड़े लीडर्स में आता है वो इंसान मेरे साथ पैदल चल रहा है बस मेरे लिए क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट ट्रेस करनी थी मुझे स्टार्टअप में इंटरेस्ट था तो ऐसा सपोर्ट एक ऐसा बिलीफ सिस्टम मेरे पीछे हर वक्त था मेरे क्योंकि उस वक्त तक मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था उस वक्त मेरी जो भी कंपनीज है मेरी बातें लोगों को अच्छी लगने लगी थी मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन अ वीकली बेसिस मेरे वीडियोज पे आते थे अलग अलग न्यूज चैनल्स पे और उसके कारण मुझे किसी भी बड़े इन्वेस्टर का टाइम मिल जाता था आराम से जैसे ही मेल जाता था मेरी कंपनी की तरफ से वो लोग तुरंत मतलब मुझे बुला लेते थे बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स बैंगलोर के इंडिया के इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स उनसे मेरी बात हो जाती थी वो मुझे बस दो चीज़ों के लिए डिजेक्ट करते थे कोई फिलोसफिकल बात नहीं कुछ नहीं दो चीज़ों के लिए पहली चीज़ तुम्हारी एज बहुत कम है दूसरी चीज़ तुम बिहार से आते हो डायरेक्टली नहीं कहा लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक चौदह साल का लड़का जब आइडिया मैं प्रेजेंट कर रहा था मैं चौदह साल का था और वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से मिल रहा है फेमस है नाम है लेकिन रिजेक्ट किस बेसिस पे हो रहा है कि वो बिहार से है ऐसा था कि उनके दिमाग में एक माइंडसेट बन चुका था कि बिहार के छोटे से शहर मुजफ्फ़रपुर से मैं आता हूँ उसमें एक छोटा सा गांव है अम्मा मैं वहाँ से आता हूँ और वहां से इस लेवल की क्रिप्टो फाइनेंस वाली आइडिया लेके इतनी कम एज में और मेरी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं ना सब ऐसे ही मिलेंगे मेरे सीटीओ सीओ जो भी सीएमओ जो भी मेरे कंपनी में है कोई वो आईआईटी आईएम वाला नहीं होता आजकल टैग आईआईटी आईएम का एक भी उसके नहीं है सब सेल्फ मेड ऑन्ट्रप्रनोरस है जिन्होंने स्ट्रगल किया है और इनोवेटिव माइंड के साथ वो काम करते हैं इस बेसिस पे मुझे रिजेक्ट किया गया फिर मेरे पापा जी क्योंकि मुझे बुरा लगता था क्योंकि मुझे ग्रो करना था तेजी से मुझे एकदम सडन ग्रोथ चाहिए थी क्योंकि इस एज में क्या होता है ना हमें सारी चीजें जल्दी जल्दी चाहिए होती है टीन के ईयर्स में वैसे ही मेरे साथ था मैं सोच रहा था, था कि तुरंत में क्यों ना हजारों करोड़ की कंपनी बना दी जाए कोई लॉजिक नहीं है बस एक एम था और मेरे पापा ने मुझे एक बात समझाई कि इन्वेस्टर्स जब भी तुम्हारी कंपनी में आते हैं एक तो तुम अपनी खुद की कंपनी में एक एच आर बन के रह जाओगे एक अपनी खुद की कंपनी में एक बस एग्जीक्यूटिव के नाम पे रहोगे को डिसीजन तुम्हारे पास उनके बिना परमिशन से तुम नहीं ले सकते हो ये सबसे बड़ी एक बात थी ये बात मैंने सीखी और समझा कि अगर खुद से ही ग्रो मैं कर रहा हूँ बूट कंपनी में बना रहा हूँ आज जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के आप नाम जानते हैं चाहे रिलायंस हो माइक्रोसॉफ्ट हो एप्पल हो कोई हजारों करोड़ों की फंडिंग के साथ स्टार्ट नहीं हुआ था सेल्फ मेड बूथ स्ट्रैप्ड ऑन्टरप्रेनोर जो से पैसा लाया था उसको इन्वेस्ट किया और आज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो कंपनीज है वहाँ से मुझे एक इंस्पिरेशन आया कि क्यों ना खुद से कंपनीज बनाई जाए और वैसा ही हुआ मैंने बूथ स्ट्रैप किया अपनी सारी कंपनियों को बिना किसी फंड के जो पैसे मैं कमाता था मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था उन, उन लोगों के का भी बहुत बड़ा हेल्प था इसमें और मैं अपनी कंपनीज पे काम करने लगा करते करते इसी बीच में वही फेम वाली बात आ गई पॉपुलर जब होने लगा तो जिस जो इन्वेस्टर्स मुझे हल्के पॉपुलर पर रिजेक्ट करते थे वो खुद से करोड़ों के ऑफर्स के फोन करने लगे जिन्होंने कहा था तुम बिहार के हो और जब देखा कि मैं आज तक पे आ रहा हूँ बड़े बड़े चैनल्स पे आ रहा हूँ और अच्छे टाइम का मुझे वहाँ पे स्लॉट मिलता था बोलने के लिए इंटरव्यू के लिए तो उनके करोड़ों के ऑफर्स मेरे पास आने लगे लेकिन उस वक्त मैंने उन्हें रिजेक्ट किया क्योंकि मेरी खुद की फिलॉसफी उस वक्त तक बदल चुकी थी और यही आज इस कंट्री में हो रहा है मैं अच्छे से अच्छे ऑन्ट्रप्रेनोर्स को जानता हूं जो बस फंडिंग के पीछे परे रहते हैं आप जो भी बड़ी कंपनीज का आप नाम जानते हैं स्टार्टअप इंडस्ट्री में एक भी प्रॉफिटेबल नहीं है एक फैक्ट है गिने चुने इस हाथ में फिट हो जाएंगे सारे कंपनी सारे स्टार्टअप जो प्रॉफिटेबल है ब्रेक इवन में नहीं सब लॉस मेकिंग कंपनी है क्योंकि एक कहते नहीं है जब आपको आदत हो जाती है पैसे खर्चने की तो आप कमाने के बारे में सोचोगे नहीं फंडिंग का पैसा है ही पाँच सौ करोड़ हजार करोड़ सात सौ प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं कमाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं दे आर जस्ट स्पेंडिंग द मनी वही उनके साथ गेम हो चुका है और यही चीज़ इंडियन स्टार्टअप इको को जो बबल हम लोग कहते हैं आज के समय में एक बबल की तरह बना रही है जो कि बहुत बुरी बात है क्योंकि इंडिया में ऐसे ऐसे टैलेंट्स ऐसे ऐसे आइडियाज़ छोटे से छोटे शहर से आते हैं और बहुत बड़ी कंपनी बनाते हैं इंडिया इतना ज़्यादा रिच है बिजनेस फाइनेंस कॉरपोरेट इन इन सारी चीज़ों में ऐसे ही होते होते एक और स्टोरी बताता हूँ मेरे पास क्रिप्टो का एक्सपीरियंस था ब्लॉकचेन का एक्सपीरियंस था और मैं आईआईटी कानपुर से एक सर्टिफाइड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट भी हूं एट द एज ऑफ 14 आई गॉट सर्टिफाइड फ्रॉम आईआईटी कानपुर इन द फील्ड ऑफ ब्लॉकचेन और इसकी स्टोरी क्या है कि मेरी उम्र बहुत कम है वो एक पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स था ब्लॉकचेन का आईआईटी कानपुर कंडक्ट कराती है चार महीनों के लिए साल के एंड में दिसंबर से मार्च तक के चलता है चार महीनों के लिए उसमें मेरा एनरोलमेंट कॉर्पोरेट बेसिस पे हो गया मेरा बिजनेस प्रोफाइल देखते हुए मेरा कॉरपोरेट प्रोफाइल देखते हुए मेरा एनरोलमेंट एक अलग बैच में किया गया जो कि बस कॉरपोरेट्स के लिए बना हुआ है और उसमें मेरा एनरोलमेंट हुआ जिस वक्त मैं आई के साथ कॉम्पीट करता था जो बच्चा ख... सीधे ऐसे खड़े हो के बोल नहीं सकता था ऐसे से दो साल पहले स्कूल पे ना थॉट्स बोले जाते हैं मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ पे ऑन ए डेली बेसिस आपको एक थॉट बोलना पड़ता था और मैंने अपने दोस्त से पूछ के एक रट लिया था अब दस बार बोलना हो मैं सेम थॉट बोलूंगा अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड छोटा सा था और मैंने उसे याद कर लिया था उसी को मैं डेली बेसिस पे बोलता था और आज देखिए कैसे मैं यहाँ तक पहुँच गया ये जर्नी बस दो तीन सालों की नहीं है ये मेरे पेरेंट्स की भी जर्नी है जो कि दशकों से चलती आ रही है उनके स्ट्रगल्स की भी स्टोरी है जिनके कारण जिनके इफेक्ट के कारण मैं आज जहाँ पर पहुंचा हूँ उनके कारण पहुँचा हूँ उनका रियल स्ट्रगल था मैंने कुछ नहीं किया बस उनका सपोर्ट था मैं आगे बढ़ता चला गया आईआईटी कानपुर से सर्टिफाइड होने के बाद फिर मैं ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बना और करते करते ब्लॉकचेन चेन क्रिप्टो करेंसीज के इवेंट्स में मुझे एजो स्पीकर बुलाने लगे लोग बुलाने लगे देश के बड़े से बड़े टेक इवेंट में टेक्स पार्क जैसे हुआ था अनफोल्ड हुआ था फर्स्ट ऑफ स्कैन क्रिप्टो समिट था वो उसमें मुझे बुलाया गया वहाँ मेरे इंटरव्यूज हुए और आप बिलीव नहीं करोगे मेरे लाइफ की जो पह, पहली वायरल वीडियो थी ना जो वायरल गई थी सच में वो 22 जून 2022 हजार बाईस एग्जैक्ट मुझे डेट याद है 21 तारीख को मैंने दिया था अगले ही दिन मुझे एक इवेंट में दिल्ली जाना था और ट्रैवलिंग के समय ही मैंने देखा कि वो उस वीडियो पे 16 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज थे 24 घंटे के अंदर वो तुरंत वायरल होने लगी 16 मिनट्स मतलब 16 मिलियन से भी ज़्यादा था और ऐसे ही करते करते वो वायरल वीडियो हुई और मेरे लाइफ में मैंने थियल फेलोशिप आप जानते होंगे थियल फेलोशिप ने भी मेरा इंटरव्यू लिया है बड़े बड़े चैनल्स बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी और जो भी आज ये सब कुछ हुआ है शार्क टेंग इंडिया की भी मेरी आप बात जानते होंगे मंत्र देश के फाइनल फाइनल्स वहां तक मैं पहुंच चुका था इन जस्ट uh, मैं जब चौदह साल का था उसी वक्त और इन सारी चीजों से मैं एक ही चीज आपको मैं बताना चाहूंगा जो सबसे बड़ी बात थी कि लाइफ में अगर मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो ये एक फैक्ट है आप लोग भी अगर कुछ आपके लाइफ में कोई, कोई भी ड्रीम्स हो गोल्स हो मार्क्स अच्छे लाने हो या फिर करियर को बनाना हो जो भी कुछ करना है आप बस सोचिए स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इट क्योंकि रियल होती है मैंने भी सपना देखा था इसलिए सब कुछ पूरा भी हो पा रहा है आप भी सपने देखिए सपने देखना सीखिए नॉर्मल सा बच्चा था लेकिन क्रंच बेस की रैंकिंग में दुनिया के सबसे अमीर इंसान से भी ज़्यादा रैंक मेरा आया था मैंने ये बिलीव नहीं किया था जब मैंने पहली बार ये न्यूज़ सुनी थी क्रंच बेस एक लीडिंग मीडिया वेबसाइट है जो कि करोड़ों ऑन्ट्रपेनोस का डेटा रखती है उसमें मेरा रैंक एट था दुनिया में एट था और दुनिया के रिचेस्ट मैन वो देखती है आपके इन्फ्लुएंस को आपके एज को आपके आइडियाज़ को और दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्जिद से ज़्यादा मेरा रैंक था क्रंच बेस पे इन सारी चीज़ों से एक ही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भी कर सकते हैं कुछ बड़ा बस ठानिए और लगे रहिए क्योंकि लाइफ में लोग कहेंगे उनकी बातों को इग्नोर करते चलिए खुद पे फोकस कीजिए और ग्रो करते रहिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी